हेलो दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी। वेलकम टू सॉफ्टवेयर इन इंडिया। आज हम चार टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक होगा कि हार्डवेयर की शॉप मैंने क्यों खोला। दूसरा टॉपिक होगा कि एक ऑनर और एक पार्टी वाले के बीच में कितना प्रेशर होता है लेन देन का। तीसरा ये रहेगा कि हार्डवेयर की शॉप रेंट पर खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए। और चौथा ये रहेगा आपका कि हार्डवेयर की शॉप से क्या ग्रोथ हो सकता है, क्या वो करोड़पति इंसान बन सकता है हार्डवेयर की शॉप से। आज इन चार टॉपिक से हम आज इन चार टॉपिक का बात करेंगे। हम अपने 3 साल के पास एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तीन सालों में मैंने क्या क्या देखा है, क्या क्या फेस कर रहा हूँ, मैं उसको आपको शेयर करूँ। ठीक है, पहले हार्डवेयर की शॉप खुलने का हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। जिस टाइम हम बिजनेस के बारे में सोच रहे थे उस टाइम में हमारा किसी भी शॉप का कोई आइडिया नहीं था। तो हमारे रिलेशन में किसी की शॉप थी हार्डवेयर का, उनने बताया, उन्हें सजेशन दिया कि इस चीज़ का बिजनेस कीजिए। उन्हें सपोर्ट किया अपनी गाइडलाइन से, उन्हें कई होलसेलर से मिलवाया, वहाँ से हमारा शॉप का उन्हें उद्घाटन करवाया और कई होलसेलर से हमने सामान लिए। इस तरह से हमने हार्डवेयर की शॉप खोला। ठीक है, तो हमने हार्डवेयर का शॉप खोलने का रीज़न ये था, पीछे ये था कि हमारे रिलेशन में किसी के शॉप होना और उनकी गाइडलाइन से उनका देखा देखी बोल सकते हैं, उनका देखा देखी हमने एक हार्डवेयर की शॉप खोली। दूसरा आता है ऑनर्स, हार्डवेयर की शॉप के ऑनर्स और पार्टी के बीच में प्रेशर क्यों आता है। जब हमने शॉप खोला तो कई होलसेलर से हमारी मुलाकात हुई और कई होलसेलर से हमने अलग अलग चीज़ों की डिमांड के हिसाब से सामान लिया। ठीक है, और सामान लेने के बाद होलसेलर के आदमी आते हैं, होलसेलर के आदमी होते हैं जो हर साप्ताहिक आते हैं हमारे काउंटर पे। वो आते हैं हर साप्ताहिक, मतलब हर सप्ताह उनका डेट फिक्स होता है और वो आते हैं हमारे काउंटर पे और पैसे को वसूलने के तौर पे आते हैं और नए और ऑर्डर के लिस्ट आते हैं, भैया कोई नया ऑर्डर है तो बताइए और जो पिछला पेमेंट है उसको आप दीजिए। इससे क्या होता है कि दुकानदार को क्या होता है, प्रेशर धीरे जनरेट होता है, उनके दिमाग में ये चलता है कि आज इनका टर्न है, इनका पैसा देना है। तो इस हिसाब से उनका दुकानदार का क्या होता है, पार्टी के प्रति प्रेशर धीरे जनरेट होता है कि उनको पता है इस तारीख को आएंगे, उनको इतना पेमेंट देना है, तो उनको टेंशन बना होता है, उनको प्रेशर होता है कि सामान बेच के उनको पैसा देना, यदि सामान बिके गए तो उनको पैसा कैसे देना। ठीक है, इस तरह से हमें प्रेशर आता है पार्टी का, दुकानदारों के बीच पे पार्टी का प्रेशर इस तरह से आता है कि उनको लोकेट करना होता है, उनको पैसा देना पड़ता है, साप्ताहिक पैसा देना पड़ता है। ठीक है, कि पार्टी का दुकानदार पे दबदबा या दबाव बनने लगता है कि हार्डवेयर के शॉप को क्या रेंट पर खोलना चाहिए। यदि आपका खुद का जमीन है तो सबसे अच्छा होता है शॉप खोलने का खुद की जमीन पर। यदि खुद की जमीन मार्केट में है तो आप वहाँ पर शॉप खोलिए। रेंट पे खोलने का रीजन, रेंट पे खोलने का दिक्कत केवल ये होता है कि आपके हर महीने आपको प्रेशर होता है कि हमें रूम का रेंट देना, चाहे आपकी सेलिंग हो रही हो या ना हो रही हो, इसे रेंट के मालिक को कोई मतलब नहीं है, उसे केवल इस चीज़ से मतलब है कि महीने का हमें इतना पैसा चाहिए तो चाहिए, चाहे आपकी सेलिंग हो या ना। इससे क्या होता है, दुकानदारों को प्रेशर बनता है, दबाव आता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है कि क्या हार्डवेयर की शॉप से हम ग्रो करके करोड़पति बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सेलिंग पर, करता है आपकी मार्केटिंग पर, करता है आपकी जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी आपको उतनी प्रॉफिट होगा और धीरे धीरे उतना ही ग्रोथ बढ़े, उतना ही धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, यदि आपकी सेलिंग नहीं हो रही है, आपकी सेलिंग नहीं हुई, आपका सामान रखा हुआ है, तो आपको तीन चीज़ का प्रेशर आपका ऑटोमेटिक है। पहला प्रेशर है पार्टी का प्रेशर है, दूसरा आपका रूम रेंट का, रेंट पे जमीन, रेंट पे दुकान का रेंट का टेंशन है, पार्टी का टेंशन है। ठीक है, तीसरा होता है कि कस्टमर क्यों नहीं आ रहे, उसका टेंशन, जिससे क्या होता है कि दुकानदार डिप्रेशन और प्रेशर में होता है और उनका ग्रोथ धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। यदि आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपकी रोज की सेलिंग अच्छी है, तो इनकी आप ग्रोथ आसानी से धीरे 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 आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, अच्छा अच्छा खासा आप एक लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग, आपका व्यवहार कैसा। ये चार टॉपिक मैंने आपको बताया,
कि मैंने हार्डवेयर की शॉप क्यों खोला, पहला रीज़न यही था कि हमारे रिलेशन में शॉप थी, उनकी गाइडलाइन मिली और हमने उसी उन्हीं का देखा देखे बिजनेस खोला हार्डवेयर की शॉप। पार्टी और ऑनर के बीच में प्रेशर होना उनके लेन देन से होता है, उनका लेन देन होता है साप्ताहिक, उनका प्रेशर होता है क्योंकि वह बंदा आता है, उनका आदमी आता है साप्ताहिक पैसा वसूलने के लिए, तो उनके लिए पैसा जुटाना पड़ता है। ठीक है, इस तो रीजन था कि रेंट पे हम हार्डवेयर के शॉप रेंट पे खोलनी चाहिए कि नहीं। यदि आपकी खुद की जमीन पे, आपकी खुद की जमीन पे शॉप है सबसे सबसे अच्छा है, और ये रेंट पे है तो आपको सेलिंग सेलिंग हिसाब से बनानी पड़ेगी, जिससे कि रेंट और पार्टी के पैसे का प्रेशर आपको करना हो। चौथा रीजन है ग्रोथ की बात करते हैं, वो आपके मार्केटिंग, आपकी बिहेवियर, आपके व्यवहार और आपकी सेलिंग पर डिपेंड करता है। यदि आपकी सेलिंग मार्केटिंग अच्छी है तो आपको ग्रोथ स्वाभाविक होगा, यदि आपकी सेलिंग और मार्केटिंग में लो आ रहा है तो आप धीरे धीरे पतन पहुंच जाएंगे।